बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। और जो भी छात्र पेपर हैकर से सच्चे दिल से प्यार करता है तो वो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना यार, क्योंकि मैं आपके लिए बहुत मेहनत से कुछ क्वेश्चनों को खोज के लेके आता हूँ जो आपके पेपर में छप रहे हैं। समझ रहे हैं, छपने का मतलब जानते हो, मतलब पेपर में भई आ रहा है। और मैं आपको कुछ क्वेश्चन एग्ज़ाम से पहले बता देता हूँ। और अब तक जो हमने आपसे वादा किया था 70% प्लस दिलाने का, केवल 2 दिन पढ़ लो, केवल 2 दिन दिल से पढ़ लो। कहते ना दिल से, दिल जान जिगर सब कुछ लगा दो तो पक्का 70% प्लस आपकी है, कोई इसको कम नहीं कर सकता, आपके हाथ में है ये। ठीक है, संघर्ष आपको करना होगा, रास्ता दिखाने का काम मेरा है, वो दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, करो पहले तो जो पहली बार आए। और आप सभी मुझसे अभी वादा करेंगे कि इस वीडियो को लास्ट में आप सभी लोग शेयर करेंगे, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, शेयर शेड पर, जो भी आप चला रहे हैं, एनीवे हेलो चला रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन चला रहे हैं आप यूज कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है आप उस पर शेयर कर देंगे, आप मुझसे वादा करिए। सिर्फ इतना चाह रहा हूँ मैं, कुछ और नहीं चाह रहा। और जो छात्र केमिस्ट्री के फर्स्ट पेपर का नोट्स डाउनलोड करना चाहता है, हिंदी में होगा, याद रखिए नोट्स हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बो होगा, आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो paperhacker.in हमारी वेबसाइट है, उस पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल साधारण तरीके से है, बस एक बार याद करना काम हो जाएगा। कुछ ऐसी सीरीज है जैसे कि आपको 3D संघर्ष सीरीज, 4D एंड 5D, इनको याद करने की ट्रिक हमने वहाँ मेंशन कर रखी है वहाँ। ठीक है, विजिट करना होगा आपको वेबसाइट पर, हमारी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, जिस क्लास के हैं वहाँ से आप पैट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पैट डाल रखा है, ठीक है, तो आप वहाँ भी आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, पैड के प्रैक्टिस सेट वहाँ से डाउनलोड कर लो, 4-5 बुक के हमने डाल रखे हैं ताकि आपको प्रैक्टिस बेहतरीन हो। बेहतरीन का मतलब जानते हो, सबसे बेहतरीन हो तभी आप कुछ कर पाएंगे। यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट ले लो, बेहतरीन वाले जो पेपर में पहले आ चुके हैं, UPSI के जितने पेपर हुए हैं, कम से कम कितने हुए हैं, 56-57 हुए पेपर। ठीक है, 3-3 शिफ्टों की बात हुई है तो 56-57 पूरे सब शिफ्टों के, जितने शिफ्टों के हुए हैं सारे शिफ्टों के पेपर आपको मिल जाएंगे, सभी सॉल्व करो यार, तभी तुम पुलिस वाले बनने वाले हो। SI का जब सॉल्व करके बैठोगे ना तो आप खुद कहोगे कि भाई हवलदार बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, हवलदार बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, याद रखना तो वो बनना है। चलो अब क्या करना है आपको, ध्यान रखना मेरी बात को, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। BSc सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का फर्स्ट पेपर है जिसका नाम क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या हो जाता है, इनऑर्गेनिक। मैंने आपसे वादा करता हूं कि 2 दिन पहले आप 70% लाएंगे तो बिल्कुल लाएंगे, इसमें कोई गलत बात नहीं है, ध्यान रखो मेरी बात को। कोई सोचने समझने की, अपने दिल माइंड पर और दिल मर मतलब सोचने समझने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत नहीं है, बस जो कह रहा हूँ उतना याद कर लो, काम हो जाएगा आपका। जितना बोल रहा हूँ उतना काम याद कर लो, काम हो जाएगा आपका। चलो फटाफट अपने बुक को खोलो, ओपन को खोलो, जो भी कर रहे हैं, जिससे पढ़ाई कर रहे हैं ओपन करो फटाफट बुक, नोट्स, गैस पेपर, जो भी है। नहीं है तो आप नोट्स को हमारे डाउनलोड करो, नोट्स के डाउनलोड करने के लिए paperhacker.in वेबसाइट पर जाना होगा, शॉर्ट ट्रिक में नोट्स हैं, डाउनलोड कर लो, काम हो जाएगा। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन आप याद करेंगे, कॉपर परिवार के एलिमेंट की स्थिति किसमें, आवर्त सारणी में। आप जानते हैं जो प्रेडिक्ट टेबल होती है उसमें कॉपर परिवार के जो एलिमेंट होते हैं, जैसे कौन कौन से, जैसे कि कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ये 3 एलिमेंट हैं जो कॉपर परिवार के अंतर्गत रखे गए हैं। इनकी आपको क्या करनी है, आवर्त सारणी जो है उसमें स्थिति बतानी है कि वो इस स्थिति पर क्यों रखे गए हैं। कुछ ना कुछ तो कारण होगा, आवर्त जो आपके प्रेडिक्ट टेबल है उसमें रखे गए हैं, क्या कारण है उसके बारे में आपको देखना है। ठीक है, तो प्रेडिक्ट टेबल में क्यों रखे गए हैं, आवर्त सारणी में इनकी स्थिति की विवेचना कर देनी है, बस इतना पढ़ेंगे। चलो अब क्या करना है, दूसरी बात समझो, दूसरा क्वेश्चन पर टिक लगाओ, दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको रट के जाना है। अब ये कुछ लोग कहते होंगे सर ये लॉन्ग में आएगा, तो बिल्कुल ये लॉन्ग में आएगा, लिख लो लॉन्ग में क्वेश्चन आएगा, पूरा क्वेश्चन पूछ रहा है
तो ये लॉन्ग में आएगा। ये क्वेश्चन सर किस में आएगा, ये वाला, तो आप कहोगे ये भी लॉन्ग में आएगा बेटा, लॉन्ग में याद करना है। क्या पूछेगा आपसे, ये पूछेगा कि 3D संकुरण श्रेणी के तत्वों की 4D एंड 5D श्रेणी के तत्वों से क्या करनी है, तुलना करनी है। तुलना का मतलब क्या होता है, तुलना, इन दोनों में क्या तुलना है, तुलना करनी है 3D संकुरण श्रेणी की तत्वों की गुणधर्म के आधार पर करनी होगी, वो भी 4D एंड 5D श्रेणी तत्वों से, ठीक है, तुलना करनी होगी। तुलना करने के लिए इन एलिमेंटों को याद करना भी बहुत जरूरी है, कौन कौन से एलिमेंट 3D और 4D एंड 5D श्रेणी में रखे गए। तो इनके लिए आप हमारे नोट्स को डाउनलोड करेंगे, एक बार में याद हो जाएगा। मैंने ट्रिक रख रखी है, कैसे याद करते हैं, ट्रिक लिख रखी है उसमें कि आपको याद करने के लिए कोई बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरा क्वेश्चन, ये जो आप देख रहे हैं जिसे कहते हैं संकुल क्या होते हैं, कंप्लेक्स किसे कहते हैं, ठीक है, तो जब इसको आप पढ़ेंगे ये आपका शॉर्ट में बनेगा, लिख लो शॉर्ट में, पेपर में छप रहा है, लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। वर्नर के उपसंयोजक सिद्धांत पढ़ के जाना है, 100% क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, ये जब बनेगा तो ये शॉर्ट में बनेगा, टिक लगा लो। किलेट यौगिक का क्लासिफिकेशन, उसके महत्व के बारे में पूरा क्वेश्चन पूछता है, तो ये लॉन्ग में बनता है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में बनता है। 6 क्वेश्चन लॉन्ग बनेंगे, 8 क्वेश्चन शॉर्ट में बनेंगे, 5 बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे। बहुविकल्पी क्वेश्चनों के लिए जब जो छात्र ने बहुविकल्पी क्वेश्चन की जो बात कर रहे हैं, एमसीक्यू क्वेश्चनों के लिए, एमसीक्यू क्वेश्चन जो फ्री में आप डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री में, तो आपको सबसे पहले तो नीचे एक टेलीग्राम का लिंक मिलता होगा, टेलीग्राम चैनल का हमारा, उस पर आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पर आपको एक लिंक मिलेगा एक एप्लीकेशन का, वो फ्री में है, अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना, रात भर पढ़ना, पेपर देने चले जाना, काम हो जाएगा, फेल करने वाला पैदा नहीं है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, टेलीग्राम पर मुफ्त में आपको मिल रहा है, जाओ करो यार, हम आपको सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इसका नोट्स आपको मुफ्त में नहीं मिलेगा, याद रखिएगा, नोट्स नहीं, एमसीक्यू की जो बात कर रहा हूँ, 5 क्वेश्चन पूरे टोटल वहीं से आएंगे, कुछ बाहर नहीं जाने वाला, जाओ पढ़ लो फटाफट, 5 नंबर आपको फ्री में दे रहे हैं हम लोग, जाओ। और बाकी ये जो आप नोट्स है वो वहाँ आपको नहीं मिलेगा टेलीग्राम पर, सिर्फ एमसीक्यू मिलेंगे वहाँ पर। यहाँ पर क्या मिलने वाला है, नोट्स को डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर जाना होगा, ओके। चलो एक होता है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम बीबीटी कहते हैं, बीबीटी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसकी लिमिटेशन को याद करके जाना। एक होता है लेंथेनाइट संकुचन के कारण को, ये लॉन्ग में क्वेश्चन फंसेगा बेटा, ये लॉन्ग में, जब ये सिद्धांत और सीमाएं और उदाहरण पूछ लेता है तो ये लॉन्ग में बनेगा, केवल सिद्धांत पूछता है तो ये शॉर्ट बनेगा, ठीक है, याद रखिएगा। नीचे पहुंच जाओ, एक याद कर लेना, विद्युत रासायनिक श्रेणी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा ये शॉर्ट में क्वेश्चन बन रहा है, छप रहा है, ये क्वेश्चन आपसे बनेगा, IUPAC नाम पूछेगा, ये शॉर्ट में बनेगा, पढ़ लो शॉर्ट में, 100% क्वेश्चन पेपर में आ रहा है, ठीक है। एंटीनाइट एलिमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में पूछ रहा है, शॉर्ट में पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। उसके बाद में नीचे पहुंच जाइए, देख अम्ल क्षार के लुईस सिद्धांत के बारे में, ये क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे, क्लासिफिकेशन, ये क्वेश्चन जब भी आएगा तो ये लॉन्ग में आएगा पूरा, जब यहाँ से वर्गीकरण का सीमाएं और की सफलताएं पूछ रहा है तो, ठीक है, ये देखिए। उसके बाद में नीचे पहुंच जाइए, खत्म सब कुछ, हो गया काम, बाय बाय टाटा, समझ लो हो गया पास। लिगेंड के बारे में पढ़ के जाना, लिगेंड क्या होता है, ये शॉर्ट में क्वेश्चन बनेगा, लिगेंड पक्का आ गया भाई, समझ रहे ना। उसके बाद में क्या आने वाला है, नीचे पहुंच जाओ, ये क्वेश्चन पढ़ के जाओ, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला भाई, ये वाला कोई और नहीं, ये शॉर्ट में बनेगा, शॉर्ट में आपसे पूछेगा केंद्रीय धातु की प्रभावी परमाणु संख्या, जिसे हम EAN बोलते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ कंट्रोल एटम, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में आपको याद कर लेना है, इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रूल भी होता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल के नाम से बोलते हैं, 18 इलेक्ट्रॉन रूल, ठीक है, ये नियम, 18 इलेक्ट्रॉन नियम भी बोलते हैं उसको, ये यहां से बनता है, EAN बहुत ज्यादा बनता है, शॉर्ट में बनेगा। चलो एक सम्यवता आपसे पूछी जाएगी पेपर में, या तो आपसे त्रिविमीय सम्यवता पूछेगा, ये प्रकाशीय सम्यवता या फिर आयनिक सम्यवता, इन ये सम्यवता के प्रकार होते हैं, जब सम्यवता पढ़ोगे आप, ठीक है, आइसोमेरिज्म पढ़ोगे तो आइसोमेरिज्म के अंतर्गत ये सब आइसोमेरिज्म के टाइप हैं, तो इन टाइपों को पढ़ लेना, बस थोड़ा सा पढ़ लेना, जिसमें मोस्ट इंपोर्टेंट मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसमें प्रकाशीय सम्यवता और त्रिविमीय सम्यवता, ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन दोनों को रट के जाना। नीचे पहुंच जाओ, और वही कि देखो अवधारणा के बारे में पढ़ के जाएंगे, ये आपका शॉर्ट में बनेगा, इनकी सीमाएं मोस्ट इंपोर्टेंट, अम्ल क्षार के और ही नियम, अवधारणा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, इसको पढ़ के जाएंगे। देखो ये वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं, लक्स फुल कॉन्सेप्ट है, ये शॉर्ट में बनने वाला, पेपर में छप रहा है शॉर्ट में,
बात खत्म। लास्ट में एक क्वेश्चन ये पढ़ लेना, हो गया काम, कल्याण, बाय बाय, टाटा, इतना ही रटना है आपको। ये लॉन्ग में फंस रहा है, ये लॉन्ग में क्वेश्चन आ रहा है बेटा, लॉन्ग में ये क्वेश्चन। डी ब्लॉक क्या होते हैं, ठीक है ना, ये एक्स्ट्रा आपको क्वेश्चन इसलिए बता दिए मैंने, ये लॉन्ग को 100% क्वेश्चन फंस रहा है, ये 100 क्वेश्चन 100% पेपर में आएगा ये क्वेश्चन। डी ब्लॉक तत्व क्या होते हैं, संकर तत्व की परिभाषा, गुण और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, चुंबकीय गुण, और आपको देखना है कि संकर यौगिक बनने के, इनको क्या कहा है, ये सब गुण के बारे में एक्सप्लेन करना होता है इन टॉपिक के आधार पर। तो ये टिक लगा लेना, और ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आता तो नोट्स को हमें डाउनलोड करो, नोट्स में सब कुछ फ्री मिलेगा, आराम से काम करो, आराम से पढ़ लो, बहुत शॉर्ट में दे रखा है नोट्स में हमने, वो आपको वेबसाइट पर जाना होगा, paperhacker.in वेबसाइट पर नोट्स को डाउनलोड करने के लिए। और MCQ डाउनलोड करना है तो एक लिंक हमने और दिया है टेलीग्राम चैनल का, टेलीग्राम पर टच करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाइए, वहाँ मिलेंगे MCQ क्वेश्चन। बस एक नाइट पढ़ लेना, काम हो जाएगा, 2 घंटे पढ़ोगे ना, 2 घंटे में काम कर लोगे, 100-150 क्वेश्चन होंगे, पढ़ लो, 100 क्वेश्चन ही होंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पढ़ लेना, काम हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, अच्छे तरीके से पढ़ के जाओ, कोई इशू है तो बताना। और अब लास्ट वीडियो हो चुकी है, अब शेयर कर दो फटाफट, और जो पहली बार चैनल पे है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। थैंक यू, बाय बाय।